नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। इस वीडियो में अपन बात करेंगे केबल नेटवर्किंग के बारे में। फिलहाल जो मामला है, जो मुद्दा गर्म है, वो है डिश टीवी और केबल नेटवर्किंग को लेकर के। अगर आपने अपना केबल पैक चुन लिया है, अपना चैनल पैक चुन लिया है, तो बहुत ही अच्छा है। अब जिन्होंने नहीं चुना है तो उनके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अब क्या होगा। दूसरा, जिन लोगों ने नहीं चुना है तो वो इस पशोपेश में होंगे कि किस प्रकार से हम अपने पसंदीदा चैनल्स का पैक चुन सकते हैं, क्या हमारा खर्चा 200 रुपये महीने से ऊपर बढ़ेगा या कम होगा। इस तरह के कुछ सवाल हैं जो आपको इस वीडियो में उनके जवाब में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार तो आपको अपने पसंदीदा चैनल चुनने हैं, किस प्रकार आपका केबल नेटवर्क का खर्चा बचाना है। जिन्होंने पैक चुन लिया उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं चुना उनके साथ आगे क्या होने वाला है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपन इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि इसमें अगर अपने को कुछ चैनल्स को चुनना है तो वो किस प्रकार चुने। तो देखिए, इसमें ट्राई ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है, आप चाहें तो उसकी वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। ट्राई ने साफ बताया है कि आप किस प्रकार से अपने वीडियो, अपने जो चैनल्स हैं केबल नेटवर्क पे आने वाले चैनल्स हैं, उनको आप चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपना टीवी ऑन करना है, केबल कनेक्शन आपके हुआ रखा है पहले से ही, तो आपके सारे चैनल्स उस पर आ जाएंगे। अब उसमें से आप एक कागज पेन लें और वो चैनल्स नोट कर लें जिनको आप बार बार देखते हैं, फिर आप उन चैनल्स को भी नोट कर लें जिनको आप देखना चाहते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो 999 नंबर का जो चैनल है उस पर इसकी सारी डिटेल्स आती है, किस चैनल का कितना शुल्क रहेगा मंथली, वो सब जानकारी उस पर भी आप देख सकते हैं एक जाई, ठीक है। अब इसके बाद आप एक पैक बना लें, है ना, उस पैक में आपको जो जो चैनल रखने हैं उनको शामिल कर सकते हैं। फिर जो सेवा प्रदाता है, मान लीजिए जिस भी कंपनी का आपको कोई चैनल चाहिए, तो आप उसकी वेबसाइट पर या उसके ऐप पर इस जानकारी को भेज दें, वो पैक आपके लागू हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब बात यह आती है कि अपन ऐसा क्यों करें। देखिए, होता क्या था कि अभी तक मान लीजिए अमूमन जो फीस है वो 150 से 200 रुपये पर मंथ ली जा रही है। ऑल ओवर इंडिया की ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है, अपन चैनल तो देख रहे हैं मैक्सिमम 3 या 4, है ना, और बहुत ज्यादा है तो सर्च करते हैं अपन 40 या 50 के बीच ही सर्च कर पाते हैं। बाकी चैनल्स जो अपने आते हैं वो आते हैं 1000, 800, 900। अब ये जो बाकी चैनल्स थे ये बिना बात अपने टीवी पर बने हुए थे, जिनको अपन को एक्चुअल में इनका तो अपने को नाम ही नहीं पता होगा काफी सारों का, तो ये सारे अब आपके पास से हट जाएंगे, केवल बहुत ही कम चैनल्स रह जाएंगे। पहली बात तो सर्चिंग में आसानी होगी आपको, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो आप देखेंगे केवल उसी का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इन सबका पैसा देना पड़ रहा था। इवन दैट फ्री टू एयर जो चैनल्स थे उनका भी बैकडोर से आपसे पैसा लिया जा रहा था, क्योंकि वो चैनल आपको बिना बात दिखाए जा रहे थे। इसमें भी कुछ चैनल ऐसे थे जो केबल ऑपरेटर क्या करता था, आप पे थोप देता था बिना बात, और वो आपको देखने पड़ते थे, उनको हटाना पड़ता था, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अब ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं बनने वाली, यानी कि जितना आप देखेंगे उतना ही आप पेमेंट करेंगे। तो ज़्यादा चैनल आपको चुनने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 चुन पाएंगे, 15 चुन पाएंगे, कोई भी टीवी का पैक आप ले पाएंगे, ये चीज़ है, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको अलग अलग नेटवर्क के अलग अलग चैनल्स देखने हैं, वो भी आप अपने एक पैक में शामिल कर सकते हैं, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपने अपना जो पैक 31 जनवरी तक नहीं चुना है या आप तय समय सीमा तक उसको नहीं चुन पाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बस आपके पास क्या होगा कि आपको जो है एक, मतलब एक लिमिटेड पैक है वो आपके यहाँ लागू कर दिया जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे BST, यानी कि बेसिक सर्विस टीयर, वो आपके यहाँ लागू हो जाएगा। अब आपको उसमें 100 चैनल मिलेंगे, बाकी अपने आप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका आपको पेमेंट करना पड़ेगा 130 रुपीज पर मंथ, लेकिन 130 रुपीज प्लस GST आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो करीब 153 रुपए 40 पैसे आपके हर महीने खर्चा आएगा, जिसमें आप 100 चैनल देख सकते हैं। अगर आप इसमें राजी हैं तो बहुत अच्छा है, आप एक बार अपने 100 चैनल्स की पूरी लिस्ट खंगाल लीजिए, कौन कौन से आपके पास आ रहे हैं। अगर ये 100 चैनल आपके पसंदीदा हैं इस BST में, बेसिक सर्विस टीयर में, तो दैट्स गुड। अगर नहीं है तो आप उसमें से कुछ चैनल हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। बस करना इतना पड़ेगा कि आपको ये काम महीने के अंत में करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सूटेबल रहेगा, वरना जो
सेवा प्रदाता हैं वो आनाकानी कर सकते हैं, हालांकि उनको करना जब से पड़ेगा जब से आप चाहेंगे, पर चूंकि आनाकानी वो करेंगे फिर आप उनसे कुछ कहेंगे तो वो भी एक हेडक सी साबित हो जाती है, ठीक है, तो उससे भी बचना अपने को चाहिए। तो तरीका ये है कि मंथ के एंड में अपन जो उसमें से अपने को चैनल नहीं चाहिए वो हटवा सकते हैं। अब कैसे हटवाएं, क्या प्रोसेस है, वो भी एक बार आप समझ लें। मान लीजिए आपको जो है FTA चैनल्स आपके पास हैं, यानी फ्री टू एयर चैनल्स हैं आपके पास, और अब आपको उसमें से 5 फ्री टू एयर हटाने हैं और आपको जो है SD के 4 या 5 चैनल लेने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 5 चैनल्स को आप अपने जो सेवा प्रदाता है उसको बताएं, लिस्ट बना करके ये हटा दें और ये पे चैनल लगा दें। तो उसमें क्या होगा, 130 तो लगेगा ही, क्योंकि जितने आप हटाएंगे उतने ही आप जोड़ पाएंगे, तो 130 तो आपका लगेगा ही, प्लस आपका इसमें GST लगेगा, 2 चीजें लगेंगी। अब जो पे चैनल है उसका जो पैक है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और बीच में इसका 10 या 20 रुपए एक खर्चा और है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है आपका नेटवर्क क्षमता शुल्क, वो भी लगेगा। अब मान लीजिए आपने 130 रुपए का आपका 100 चैनल का पैक है और नेटवर्क क्षमता शुल्क आपका लगा 20 रुपए, और अब आप चैनल शुल्क मान लीजिए मैक्सिमम 19 रुपए है, तो इस प्रकार आपका जुड़ जुड़ा के 18% GST के साथ ये जुड़ जाएगा और ये आपका 165 रुपए के आसपास पड़ेगा, ठीक है। ये मोटी मोटी चीजें थी। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही काम की है। देखिए, एक तो आप फ्री टू एयर की जगह फ्री टू एयर लें तो आपको ज्यादा कुछ परेशानी नहीं आएगी, वही बिल आएगा आपका 153 रुपए का GST समेत, और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो फ्री टू एयर में से कुछ चैनल हटा करके कुछ पेड ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्री टू एयर हटा करके फ्री टू एयर की जगह जितने हटाएंगे उतने ही फ्री टू एयर भी ले सकते हैं, तो यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन होंगे ये HD नहीं होंगे, ठीक है ना, HD नहीं होंगे, केवल HD चैनल ही होंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि मान लीजिए हमारे पास 100 चैनल तो आ गए, अब हमें 100 चैनल का तो 130 रुपए पेमेंट करना है प्लस GST देना है, तो वो आपका 153 रुपया खर्चा है। अब मान लीजिए इन 100 को भी आपको देखना है, ठीक है, इन 100 को भी आपको देखना है, अब इसके अलावा भी आप और चैनल चाहते हैं, तब क्या स्थिति बनेगी, तो उसमें अमूमन क्या है कि ट्राई ने एक सर्वे किया, उसमें से 10-15% ही लोग ऐसे थे जो 100 चैनल्स के ऊपर और चैनल चाहते हैं, तो यहां आपको एक और पैक चुनना पड़ेगा, वो आप मैक्सिमम जो है 25 का चुन सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर एक सर्वे के अनुसार तो कोई नहीं गया है, हो सकता है आप 25 जगह 40 भी चुने, 30 भी चुने, 150 भी देख सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सर्वे में 10-15% लोग ही ऐसे मिले थे जो 100+25 यानी 125 चैनल्स को लाइक करते हैं। तो आप क्या कर पाएंगे कि प्रत्येक 130 रुपए देने हैं आपको 100 चैनल के, और प्रत्येक 25 के स्लैब पर आपको 20 रुपए और देने होंगे, तो अब आपका जो पेमेंट बनेगा 130+20+GST प्लस आपका जो है नेटवर्क क्षमता टैक्स भी लगेगा या नेटवर्क क्षमता पेमेंट भी लगेगा, तो ये भी आपका अंडर 200 ही रहेगा। तो जो सवाल मैंने शुरू में किया था कि क्या 200 रुपए से ऊपर बिल बनेगा, तो ये 200 रुपए से ऊपर बिल आपका इस प्रकार नहीं बनेगा, और आराम से आप जो है 125 चैनल्स का लुत्फ ले सकते हैं। वो स्थिति अब नहीं बनेगी आपकी कि आपके टीवी चैनल पे 1000 चैनल फ्लो हो रहे हैं और आपको देखना है एक। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, ट्राई ने क्यों ऐसा किया, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या रहा था कि एक के पीछे एक चैनल कतार में है नए आने के लिए। अब जो चैनल उपभोक्ता देख नहीं रहा वो भी उस पे जो केबल ऑपरेटर थे उन्होंने थोप रखे थे। इवन दैट मतलब ये भी पता नहीं था उपभोक्ताओं को या टीवी देखने वालों को कि हमारे टीवी पे ये चैनल आता भी है कि नहीं, और चैनल वाले ने उसका शुल्क ले रखा था और वो उसको दिखा रहा था। अब ऐसे में काफी यूजफुल चैनल्स थे जिनको एयर मिली नहीं पा रहा, जिनको वहां रूम मिली नहीं पा रहा कि वो भी अपना जो चैनल है उसको फ्लो करा सकें। और कुछ चैनल्स ने ऐसा किया है, आपने कई बार टीवी पे देखा होगा, जैसे आप टीवी ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर कोई चैनल ही आपके डायरेक्ट खुलता है, ठीक है ना, जबकि होना ये चाहिए कि उसमें कुछ और आना चाहिए, यानी सीधा सीधा पर्टिकुलर कोई और चैनल नहीं खुलना चाहिए, जैसा कि अभी 2 या 3 साल पहले हुआ करता था। तो ये भी एक ट्रिकी चीज है कि कुछ चैनल वाले एक्स्ट्रा पैसा दे करके अपने चैनल को नंबर 1 पे ले आते हैं। ये खेल खैर हालांकि चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जो नए चैनल्स आने की कतार में है नेटवर्क पर, उनको आने के लिए रूम मिल जाएगा, और जिन चैनल्स को जो दर्शक हैं व्यूवर्स हैं पसंद नहीं करते हैं वो चैनल्स बड़ी आसानी से हटाए जा सकेंगे। तो
ये क्लियर हो गया होगा कि आपको चैनल कैसे चुनना है। अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लें। ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने 31 जनवरी तक पैक नहीं चुना है तो आपके केबल नेटवर्क साथ क्या होने जा रहा है। अगर ये भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर ट्राई संबंधित कोई और जानकारी या केबल नेटवर्क संबंधित और जानकारी, डिश एंटीना संबंधित कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी आप जरिए कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।